गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर आयता नबू। और अब लोग कैसी है? आज मंडे सुबह से मैंने व्लॉग वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, तो बाहर का व्यू मैं दिखा रही हूँ। देखिए अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो अनम अभी तक नींद से नहीं उठा। अनम जल्दी जल्दी सोया तो अभी नहीं उठा, तो मैंने सोचा थोड़ा सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दो, उसके बाद अनम को उठा लो। आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल को जो जो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो जो सब्सक्राइब किया उसको बहुत बहुत थैंक यू। तो प्लीज़ हमारा चैनल को प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए ये वाला छत में जो मैंने जूम करके दिखाएंगे, जो हाउस होता है ना, हर तरह का फ्लोर है और हर तरह का प्लांट फ्लोर और फ्रूट्स जो जी बहुत ज़्यादा ही लगाया एक छत पे। इतना कुछ लगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इन लोगों को देख के, इतना करते हैं मेहनत तो अच्छी है। इस तरह का प्लांट छत पे लगाना कुछ कुछ लोगों का शौक होता है, और कुछ कुछ लोगों का शौक भी होता है ना, तो अभी टाइम नहीं मिलते, जगह नहीं होती, इसलिए होता है। तो चलिए फिर किचन में मैं दिखाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। और मैंने दूध उबालने के बाद इसमें दिया है मैंने सूजी, तो इसमें सूजी का हलवा बनाएंगे और अंडा बॉयल चाय बनाएंगे। तो अब सूजी देने के बाद मैंने देंगे ये वाला जो है ना एलमंड एंड कैशू नट, मैंने ग्रेटेड करके रखा क्योंकि छोटा बच्ची खाता है ना, तो मैं खड़ा खड़ा नहीं डालती हूँ आलमंड और कैशू नट, मैं इस तरह का ग्रेटेड करके डालती हूँ। अब मैंने ये डाल देंगे, अब मैंने मिला देंगे, मैंने इलायची डाला खड़ा और शुगर एंड मिल्क एंड सूजी एंड ड्राई फ्रूट्स ग्रेटेड। तो आज का ब्रेकफास्ट ये है, अंडा उबाल बैठा दिया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे और चाय बना लेंगे। तो अनम को हर दिन एक एक तरीका का ब्रेकफास्ट बनाना होता है मेरे को, तो सूजी का हलवा इतना भी पसंद नहीं करते, तो अभी मैं ट्राई करूँगी क्योंकि वो सुबह ज़्यादा कुछ खा नहीं चाहते, मिल्क तो बिल्कुल ही नहीं खाते, इसलिए मैंने मिल्क के साथ कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो चलिए फिर अभी अनम को मैं उठा लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि अनम रात 10 बजे सोया था, जल्दी जल्दी थोड़ा 9 बजे खाया, 10 बजे सोया था, तो उसको बहुत ज़्यादा ही भूख लगी, तो उसको मुझे पहले उठाना है। और ये वाला सूजी हलवा मैंने ज़्यादा टाइट नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत लूज रहेगी क्योंकि हम लोग मुरमुरा के साथ खाएंगे, तो अनम को भी टाइट पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह का आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है हलवा, यामी होता है। और मैंने 1 टीस्पून घी डाल दिया क्योंकि घी का फ्लेवर हलवा में बहुत ही अच्छी आता है। और मैंने भूल गया था जो अनम को उठाने से पहले एक काम बाकी था, ये है थानकुनी पत्ता, तो इसका गांव में मिलता है, तो मम्मी मेरा लेके आया, तो इसको मैंने पीस के इसका जूस निकालेंगे, और इसका जूस मैंने खाली पेट में अनम को खिलाएंगे, हम लोग भी खाएंगे, तो बहुत ही हेल्दी होता है, हम लोग पहले से खाते हैं, तो अनम हेल्थ के लिए, पेट के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी है। तो इसके साथ टर्मरिक जो हल्दी का जूस होता है, कच्चा हल्दी का जूस मिला के खा सकते हैं आप लोग, और मिल्क के साथ भी खा, सुबह खाली पेट में खा सकते हैं आप, और इसका जूस हल्दी जूस एंड मिल्क एक साथ मिला के खाते तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं पहले जब छोटा था तो खाया था बहुत ज़्यादा, तो अब मैं अनम को खिलाएंगे इसका जूस निकाल के खाली पेट में अनम उठने के बाद, तो अभी मैं जूस निकालेंगे। और मैंने अभी यह जूसा, और इसमें मैंने सारे लीफ डाल दिया पत्ता,
तो अभी थोड़ा जस्ट पानी मिलाया, तो पानी नहीं मिलाएंगे तो जूस नहीं होगा। तो देखिए इस तरह का जूस निकला, तो मैंने अभी इसको छान लेंगे छलनी से। मैं इस तरह का छलनी में छान लिया, तो इसका जो जूस है वही खाएंगे हम। ये देखिए कितना जूस निकला, बहुत ज़्यादा ही डार्क ग्रीन है इसका जूस है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, आप मैं हम उठा लेंगे और इसका जूस पिला देंगे। और इस तरह का जूस निकला देखिए, तो छोटा बच्चे के लिए 2-3 स्पून तो ठीक है, अनम के लिए हाफ कप। अनम 2 ईयर्स पार हो गया, तो इसके लिए मैंने हाफ कप लेंगे। तो ये हाफ कप से ज़्यादा है, ये बड़ा वाला गिलास है, तो 1 कप है इसमें, इतना ज़्यादा। और मैंने डायरेक्ट नहीं पिलाएंगे, थोड़ा ये है हॉट वाटर गर्म पानी, तो गर्म पानी में मैं बैठा देंगे। ये गर्म पानी का अंदर मैंने बैठा दिया, मैंने डायरेक्ट गर्म नहीं कर रहे, लेकिन गर्म पानी में बैठा दिया तो थोड़ा गर्म हो जाए, फिर मैं पिला लेंगे। तो मैं अब ढक करके रख देंगे, थोड़ा गर्म हो जाए फिर पिला लेंगे। ये देखिए अनम अभी तक उठा नहीं। अनम की दिन जो धानकुनी का जूस होता है वो पी रहे अभी। अनम बहुत ही गुड गर्ल, अनम मामा का बात सुनते है ना, अनम को थोड़ा बहुत खांसी भी हो रहे। अनम का हम को भी ठीक है था, लेकिन अभी कल से थोड़ा बहुत खांसी हो रहे। फ्रेंड्स को बोला हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, बोला आई एम फाइन थैंक यू। चलो अभी देखिए देखो एरो का नाम कैसे पीता है, चलो चलो चलो, गुड गर्ल। ठीक है अनम को पिला देंगे, मैं अभी अनम को ब्रेकफास्ट करना है, चलो 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 टाटा। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे 11:30 टाइम, तो आज मैंने लंच में क्या बनाऊंगी वो दिखाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट होने के बाद हम तो खेल रहे, और हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लिया। और मैंने आज लंच के लिए बना रही हूँ, ये है कैबेज का गोभी, तो कैबेज इसका फ्राई करेंगी मैं। और मैंने पनीर बनाएंगे, आलू पनीर मटर एक साथ बनाएंगे, दिखाएंगे कैसे बनाएंगे। तो मैंने इस तरह का क्यूब करके आलू कट कर लिया, और पनीर इस तरह क्यूब करके कट लिया। तो फिर मटर तो मेरा पेड़ है, तो अब मैं मसाला भूनने के बाद इसको सब भून लूँगी, फिर दिखाएंगे कैसे बनाती हूँ। ये है फिश करी बना रही हूँ मैं कैरेट के साथ, और इधर बना रही हूँ मैं भाजी, और ये भाजी है सीम पोटैटो कैप्सिकम के साथ, मैं ये वाला भाजी बना रही हूँ। तो सिंपल लंच है, तो जल्दी जल्दी बना लूँगी। फिर अभी फिश करी हो गया, मैं फिश करी को उतार देंगे, फिर मैं पनीर बनाने के लिए कढ़ाई बैठा देंगे। तो इस तरह का मैंने फिश करी बनाया कैरेट के साथ, तो अभी मैंने इसको उतार देंगे। और पनीर बनाने के लिए मैंने दिया ऑयल, ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद देंगे मैं यह है क्यूमिन सीड, जीरा और सौंफ का फोरन। आप देंगे थोड़ा राई और थोड़ा सॉल्ट, कि जो ऑयल है ना चिपका नहीं जाएगी, इसलिए मैंने सॉल्ट डालती हूँ। आप देंगे मैं प्याज, मैंने 1 प्याज कटा हुआ दिया, और मैंने पेस्ट डाल देंगे। और मैंने ग्रीन चिली इस तरह कट कर लिया, ये देंगे मैंने थोड़ा ग्रीन चिली, इसलिए थोड़ा पेस्ट डाल देंगे ग्रीन चिली का, जब प्याज पेस्ट देंगे तब। और देखेंगे मैंने अनम क्या कर रहा है अभी। अनम तुम क्या कर रहे हो बेड में? अनम ऐसे करते बेड में आके, अनम को अभी तक ठंडी नहीं जा रही, अनम का अभी ठंडी बहुत ज्यादा घट गई, तब भी अनम तुमको गर्म लगे तब भी स्वेटर नहीं खोलेंगे। पानी पी लो अनम, पानी पी लो जल्दी जल्दी। हाय फ्रेंड्स, देखो अनम क्या कर रहे, अभी तक मॉस्किटो नेट अभी फेंक दिया, फिर स्वेटर नहीं खोल रहे, क्योंकि अनम को बहुत ही अच्छी लगता है ये वाला स्वेटर, तो इसलिए अनम खोलते नहीं, इतना पसीना आ गया तब भी। जब खाना बना था किचन में इस तरह का फैला के रख देती हूँ, जब खाना बनाना हो जाते तब मैं क्लीन कर देती हूँ। तो अभी प्याज को तो ब्राउन करके फ्राई कर लिया, अब मैं पेस्ट डाल देंगे। ये है ऑनियन पेस्ट 2 चम्मच, ऑनियन पेस्ट के साथ मैं देंगे पोटैटो, ताकि पोटैटो थोड़ा गल जाएंगे,
क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है ना, इसलिए पोटैटो थोड़ा जल्दी डालना पड़ेगा। पोटैटो पेस्ट के साथ पोटैटो भी भुनाना हो जाएंगे, इसके बाद मसाला ऐड करेंगे। पोटैटो को थोड़ा मैंने फ्राई कर लेंगे और पोटैटो फ्राई हो गया। अब मैंने डाल देंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, इसके बाद मसाला ऐड करेंगे। अब जिंजर गार्लिक के साथ आलू थोड़ा भून लिया, तेजपत्ता ऐड कर दिया। अब मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट, सॉल्ट पहले दे दिया। टर्मरिक पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर, और कुछ नहीं ऐड करेंगे अभी, इसको सब भून लेंगे पहले। अब मसाला भुनाना हो गया, अब ऐड करेंगे मैं है मटर, ग्रीन पीस, ये आलू मटर और पनीर का जो ग्रेवी होता है, जो सब्जी होता है ना, बहुत ही टेस्टी यामी होता है। तो इस तरह का सारे मसाला ऐड करके मैंने भुना लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने थोड़ा गर्म पानी और पनीर ऐड कर देंगे, और लास्ट में मैंने गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इधर मेरा भाजी ऑलरेडी हो गया, मैंने ऐसे दिखाती हूँ, मैंने जो वॉइस बात में देती नहीं, इसलिए मेरा किसी में थोड़ा बहुत आवाज़ आता है, क्योंकि अभी मैंने लाइव वॉइस देती हूँ, वीडियो करने के टाइम ही है, और जब बात में वॉइस देना तो आवाज़ नहीं आता है नॉइज़, तो मेरा इसमें नॉइज़ थोड़ा बहुत आएगी। किचन में फ़ैन चलते और इसका जो सब्जी होता है ना, उसका भी आवाज़ आता है, तो उसके लिए सॉरी व्यूअर्स। सब लोग सभी देख लीजिए और प्लीज कमेंट सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने सूखा सूखा करके भून लिया, अभी ऑयल छोड़ दिया। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर देंगे। टमाटो मेरे पास नहीं है, तो इसमें टमाटो देते हैं ना तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो मैं कभी टमाटो के साथ बनाएंगे। आज मेरे पास टमाटो नहीं है इसलिए। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ, ये है गर्म पानी। अब मैंने ऐड करेंगे पनीर, मैंने पनीर फ्राई नहीं करती हूँ, कभी कभी फ्राई करती हूँ, क्योंकि पनीर फ्राई करने से हार्ड होता है, तो इस तरह का पनीर ऐड करने से ना पनीर ज़्यादा ही सॉफ्ट रहते, तो मैंने कभी फ्राई करती हूँ, कभी सॉफ्ट रखती हूँ इस तरह का। अन हम बॉल खेलते हैं, हम घर में बॉल खेलते, ग्राउंड में नहीं, प्ले ग्राउंड में नहीं जाते, हम को प्ले ग्राउंड में ले जाने के लिए लोग नहीं होता, तो मेरे को कभी टाइम मिलते तो मैं ले जाते, तो मेरे को आजकल काम रहते, तो मैं आज कोशिश करूँगी ले जाने के लिए। हाय व्यूअर्स, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अनम बोलो, ए बॉल इधर आ गया, वाह। और इधर पानी उबाल आ गया, तो अभी ऐड करेंगे मैं है गरम मसाला पाउडर, जितना जरूरत उतना ही है, तो मैंने सब कुछ ऐड कर दिया इस तरह का, तो थोड़ा बॉयल हो जाए, फिर और देखिए ये है पनीर मसाला, मेरे पास है पनीर, शाही पनीर मसाला, उसका मसाला भी मैं थोड़ा डाल देंगे, तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगी। फिर अब बन रही मैं गोभी का फ्राई, उसके लिए जीरा दिया, प्याज चला, अब प्याज फ्राई हो गया, अब देंगे ये वाला गोभी, तो मैंने इसको गर्म पानी से उबाल कर लिया थोड़ा, अब ज़्यादा उबाल नहीं किया, क्योंकि जो इसमें गोभी में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है, इसलिए हम लोग डाइट नहीं खाते, मेडिसिन वगैरह रहते। और गोभी फ्राई करने के लिए बैठा दिया मैंने, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट सब देखे मैं अभी ढक देंगे, अभी मैंने लिड बंद कर दिया, तो अभी फ्राई हो जाए फिर मैंने उतार लेंगे। तो फिर चलिए, अभी मेरा खाना बनाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मैंने आज बनाया राइस, भाजी, फिश करी एंड पनीर, तो मेरा अभी ये सिंपल लंच बनाना ख़त्म हो गया, तो मैं जा रही हूँ अनम को नहाने के लिए। अनम खेलते खेलते बहुत ज़्यादा ही पसीना सूख गया, तो इसीलिए अनम को अभी नहा देंगे। अभी मामा को भी ज्वाइन कर लो अनम, अभी विंटर गया, अभी तो समर सीजन आ गया। अभी लग जाते हैं ना, अनम चलो नहाना है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय, मैं फिर बाद में देखाएंगे। अभी टीवी को ओपन बिल्कुल भी नहीं, मैडम इतना लंबी हो गया ना, अभी टीवी का ऊपर का सारे सामान निकालते। चलो फिर टाटा, नहीं नहीं ऊपर लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, अभी अनम ने सो गया, ये देखिए अब टाइम बज रहे 3 बजा, सबका लंच खत्म हो गया,
सब लंच कर लिया। तो अनम लंच करके सो गया और अनम के पापा भी लंच कर दिया। तो अभी मैं बाकी हूँ लंच करने में, तो मैं थोड़ा काम था इसलिए मैं लेट हूँ। मैं नहा के अभी फ्रेश होके फिर अभी मैं बैल्कनी में आया। तो देखिए, दो दिन से मैंने स्ट्रॉबेरी का पेड़ नहीं दिखा रही क्योंकि मेरे को बहुत खराब लग रहे थे। तो देखिए स्ट्रॉबेरी क्या हो गया, स्ट्रॉबेरी पूरा मर गया। अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसलिए, कितना मेहनत करती हूँ मैं इसका पीछे, रोज दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आनम को तो बहुत ही अच्छी लगती है स्ट्रॉबेरी खाना, तो उदास नहीं करते, पता नहीं क्यों मर गया अचानक। हम लोग कुछ सार दिया इसलिए, नहीं तो फिर पता नहीं कुछ रीजन, पानी दिया उसी की बजाय, कुछ भी रीजन पता नहीं हमें, इसे मर गया। तो 10 स्ट्रॉबेरी था, 10 स्ट्रॉबेरी का थोड़ा थोड़ा वो था, तो सब अभी ख़राब हो गया। तो क्या करें फिर, देखते फिर स्ट्रॉबेरी लगाएंगे क्योंकि अनम का बहुत पसंद, अनम को भी अच्छी नहीं लग रही। अनम तो कुछ समझते नहीं लेकिन स्ट्रॉबेरी मर गया वो समझते हैं, तो इसलिए बहुत ही अनम सैड है, अभी हम लोग भी सैड है। तो फिर चलिए अभी मैं लंच कर लेती हूँ। अभी मैं लंच के लिए राइस लिया। अभी लंच में क्या मैं दिखाएंगे, और सिंपल लंच है। ये है पनीर का सब्जी, ये है सीम और कैप्सिकम और पोटैटो का भाजी, और ये है गोभी का भाजी। तो ये वाला जो मटर पनीर और आलू के साथ वो बहुत ही टेस्टी बना। तो सब तो लंच कर लिया ऑलरेडी, तो अभी मैं बाकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं लंच कर लेती हूँ, फिर बाद में मिलते फ्रेंड्स। हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। अभी बज रहे 4:45, अभी सनसेट भी नहीं हुआ है। देखिए सन कितना खूबसूरत लग रहे छत पे आया हम लोग। तो अनम नींद से उठ के छत पे आया बॉल लेके, तो उसका मूड ठीक करने के लिए मैं अनम को लेके छत पे आया। तो इसीलिए अनम भी तो बोला, अनम बाहर जाना है घूमने इसलिए अनम को लेके आना। माँ सन, वाओ देखो सन लाइट, सन जाओ सन, सनसेट देखो, सनसेट देखो, वॉक कर थोड़ा। अनम रन करो, देखो अनम क्या कर रहे हैं। अनम भाग, बॉल बॉल लेग से मारो, ऐसे मारो, ऐसे ऐसे मारो, ऐसे ऐसे लो लो पैर से मारो। हाँ गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। देखिए अनम साथ में बॉल खेल रहे। ए मम्मा इधर इधर हवा में बॉल उड़ेगे। अनम खेलो बॉल, खेलो बॉल, खेलो। देखिए इधर वाला पॉन्ड, मैं जब छत पर आती हूँ दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा व्यू अच्छी लगती है इधर का। आ जाते फ्लोर देखेंगे, और सारे फ्लोर पॉट दो दिन से मैंने आया नहीं छत पर, दिखाया नहीं, अभी आज मैंने आया। तो अभी किसी ने सजा के रखा। डोंट टच अनम, डोंट टच एनीथिंग अनम, नो नो, तोड़ना नहीं, डांटेंगे तुम गुड़गल ना, प्लांट तोड़ते नहीं कभी। हाँ प्लांट सब सी दिस, ओनली सी दिस, नो डोंट टच। हाँ देखिए ओनली सी दिस, डोंट टच एनी फ्लावर। पैसे मारो बॉल, बच्चों नानी माँ को दिखाओ, ये नानी माँ को दिखाओ। आजा आजा, कम 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 कम, मैं तो गया। ए देखो बॉल गया ना, मम्मा गया, मम्मा गया, मम्मा गया, और नानी माँ भी गया। जाओ फटाफट, अनम फ्लोर तोड़ के हम भाग भाग कर आ रहे। अनम बॉमा डांगू देंगे, बॉमा का फ्लोर पॉट है ना, अभी तोड़ना नहीं। ओके अभी ले लो तुम। अनम टू फ्लोर तोड़ दिया, अब मुझे देखेगा, ले लो अनम फ्लोर, डोंट टच फ्लोर, बॉमा डांगू देंगे, कम हियर गो। हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आप हम लोग स्नैक्स में मुरमुरा खा रहे, कुरकुरे के साथ मोवा एप्पल, और अनम ने डांटी कम कर दे, खाना में अल्फाबेट फेंक दे। अनम बहुत ज़्यादा डांटी हो गया। अभी मुरमुरा खाओ, खाओ फिर लोग करने देंगे, खाते खाते करने देंगे। खाना भी तो कुछ भी नहीं करते, हमेशा डांटी कम करते अनम।
इसको खोलो। क्या खोले? इसको खोलो। कानम गुस्सा होकर क्या करते? चलो कटो कटो कटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। कटो कटो कटो। आनम को 2.4 ईयर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे अकेले अकेले, किसी को नहीं बुलाया। तो व्यूअर्स लोग देखिए आनम कैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर। उसका दीदी नीचे है, उसके दीदी का भी इंतजार नहीं कर रहे और पापा के साथ। बाप बेटी अकेले केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे आनम। आनम को केक बहुत पसंद है इसलिए आनम को केक काट रहे। तो काटे तो नहीं है ऐसे बोला हम लोग। काटो 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 काटो।